गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन कथन, कथन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड देन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, स्पीकर से समथिंग इन हिज ओन वर्ड्स। जब वक्ता किसी कथन को अपने शब्दों में कहता है तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और एक सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं यहाँ पर, एक तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, अर्थात कहा हुआ कथन। और इन्वर्टेड कॉमा के जो आउटसाइड वाला पार्ट है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, आरवी और आरएस के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच की बातें करेंगे। का स्पीकर सेज समथिंग व्हाट समबडी हैज सेड। जब वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के कथन को अपने शब्दों में कहता है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय पहले तो हम देखेंगे कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है वो सेंटेंस कौन सा होता है। यदि वो असर्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव दैट लगेगा, और सैड को सैड में ही चेंज करते हैं। जैसे राम सैड कनेक्टिव लगाया दैट, और यहाँ थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, टेंस में परिवर्तन होगा। इस तरीके से हम इसको बना देंगे, राम सैड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए, बात करते हैं रूल्स की। रूल्स, फर्स्ट रूल हमारा है चेंज इन द टेंस। टेंस में परिवर्तन हमें देखना है कि फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको हम पास्ट सिंपल टेंस में बदल देंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसको हम कर देते हैं। यदि नकारात्मक है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी दी हुई है डायरेक्ट में, तो उसे हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वाज वर अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में चेंज होगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है तो हैज हैव को हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है, हैज बीन हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी दी हुई है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। अर्थात कहने का भाव है कि प्रेजेंट टेंस को टोटली पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, यदि पास्ट सिंपल दिया हुआ है जिस तरीके से यहाँ पर है, डिड पास्ट सिंपल में जिस तरीके से डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब देखिए, यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दी हुई है तो पास्ट परफेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग यहां पर होगा। नेक्स्ट है, सेल का शुड करेंगे, विल का वुड, मे को माइट में चेंज करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे, मस्ट को मस्ट में चेंज करेंगे। यदि डायरेक्ट स्पीच के अंदर शुड, वुड, माइट, कुड, मस्ट दिए हुए हैं तो नो चेंज रहते हैं। इस तरीके से हम टेंस में परिवर्तन करेंगे। देखिए, टेंस संबंधी परिवर्तन के बाद अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। देखिए, डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, मोहन सैड टू मी हरी टेल्स अलाई, ये आर एस है, रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो पांच सेंटेंस होते हैं उनमें से कौन सा है। ये असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है तो असर्टिव के लिए एक तो क्लियर है कि दैट कनेक्टिव का प्रयोग होता है, और सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। यदि सैड है तो सैड ही रखते हैं, और यदि सैड टू दिया हुआ है तो उसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे। तो यहां पर इनडायरेक्ट बनाएंगे, मोहन सेड टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, टोल्ड मी कनेक्टिव लगाएंगे दैट हरी। अब देखिए, टेंस परिवर्तन करते हैं कि यदि सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है तो हम उसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। जैसे यहां हो जाएगा टेल्स का टोल्ड आ लाई, इस तरीके से यहाँ अंत में फुल स्टॉप आएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और इस तरीके से एक सेंटेंस बना दिया जाएगा। देखो, तीन परिवर्तन यहाँ पर हुए हैं। एक तो सेड टू को हमने यहाँ टोल्ड किया है, दूसरा हमने यहाँ कनेक्टिव लगाया सेकंड परिवर्तन, और नेक्स्ट जो चेंज हुआ है वो है टेंस में चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हमने
टेल्स को टोल्ड में चेंज किया है, तो ये थर्ड चेंज हुआ है यहां पर। देखिए नेक्स्ट अब एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट की। इसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, हैज हैव थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ हैज डन दिया हुआ है, तो हैज थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है। तो अब देखिए ये सेंटेंस असर्टिव है, दैट कनेक्टिव लगेगा, यदि सैड है तो सैड का सैड ही रखते हैं, बॉयज बॉय सैड कनेक्टिव होगा, दैट मोहन, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा हैड डन हिज वर्क, और इस तरीके से हो जाएगा। हम टेंस में परिवर्तन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां हम टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। देखो क्या है, नोट दिया हुआ है, इफ रिपोर्टेड स्पीच हैज द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यदि सेंटेंस निम्नलिखित हैं देन द टेंस डज नॉट चेंज, तो वहां पर हम टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। इस तरीके से जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखो क्या क्या है, यदि यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो वहां हम कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, टेंस जो है वही रखेंगे। यदि हैबिचुअल एक्शन दिया हुआ है तो वहां भी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, यदि साइंटिफिक फैक्ट दिए हुए हैं तो वहां भी हम किसी भी तरीके से टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे माय फादर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ है, तो सेंटेंस होगा माय फादर सेड को सेड ही रखेंगे, कनेक्टिव होगा दैट, और सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा टेंस के अंदर, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे हमने यहाँ राइजेज है तो यहां भी राइजेज ही किया है, इसलिए इसमें रोज नहीं होगा, किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं किया। देखिए यदि आरएस के अंदर नेक्स्ट हैबिचुअल एक्शन दिया हुआ है तो उसके टेंस में भी परिवर्तन नहीं होगा, तो सेंटेंस बनेगा ही सेड, कनेक्टिव होगा दैट, डॉग्स वॉक एट नाइट, डॉग्स बार्क एट नाइट की रात को कुत्ते भौंकते हैं, उनकी ये आदत है, हैबिचुअल एक्शन है, तो नो चेंज होगा टेंस में, क्योंकि यहाँ बार्क है तो यहाँ भी बार्क रखा है। देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस दिया हुआ है आरएस के अंदर साइंटिफिक फैक्ट का सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कि देखो माई सेंटेंस बनेगा माई टीचर सेड, कनेक्टिव होगा दैट, वॉटर फ्रीजेज का यहाँ फ्रीजेज रखेंगे एट, इस तरीके से हम सेंटेंस बना देंगे। इसमें देखो हमने कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं किया, यदि स्थिति तीन है तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो किस तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन और साइंटिफिक फैक्ट। देखिए नेक्स्ट बातें करते हैं, नोट टू है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब है ना इज इन प्रेजेंट टेंस, यदि वो प्रेजेंट टेंस में दी हुई है या फ्यूचर टेंस में दी हुई है, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। देखो अभी तक था कि हमने रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट या हैबिचुअल एक्शन है, तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी टेंस दिया हुआ है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। देखो किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, जैसे राहुल सेज, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, यहाँ पर सैड होता तो ही यहाँ पर हम चेंज करते रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो कनेक्टिव तो लगेगा दैट, ही इज वाज नहीं होगा, गोइंग टू मार्केट, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। इसमें हमने वाज गोइंग नहीं किया तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए,
गोपाल विल से मोहन इज अ गुड प्लेयर, तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो इसके टेंस में भी परिवर्तन नहीं होगा, तो टेंस सेंटेंस कैसे बनेगा, गोपाल विल से कनेक्ट दैट होगा, मोहन इज का इज ही रखेंगे, वॉज में परिवर्तन नहीं करेंगे, इज अ गुड प्लेयर, तो इसी तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए अब सेकंड रूल की बात करते हैं, अभी तक हमने परिवर्तन किया था टेंस में परिवर्तन और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में कब कब परिवर्तन होता है इसकी बातें की थी, अब हम बातें करेंगे सेकंड चेंज, चेंज इन टाइम एंड प्लेस। यदि डायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित शब्द दिए हुए हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न में चेंज कर देते हैं, तो देखो किस तरीके से, यदि डायरेक्ट में दिया हुआ है नाउ तो उसको इनडायरेक्ट में देन में बदलेंगे, यदि दिस दिया हुआ है तो दैट में चेंज करेंगे, दीज है तो दोज, एंड टू नाइट को दैट नाइट, टुडे दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, यदि डायरेक्ट स्पीच में टुमोरो दिया हुआ है तो द नेक्स्ट डे में या फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे, हेयर को देयर में, एगो को बिफोर करेंगे, नेक्स्ट डे है तो उसको हम फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे, हिदर यहाँ से उस हो जाएगा थिदर वहाँ से, जस्ट को देन में चेंज करेंगे, इस तरीके से हम टाइम परिवर्तन करेंगे। देखो किस तरीके से एग्जांपल की तरह, जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर आने वाले सेंटेंस को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, तो सेंटेंस देखो क्या है, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल दिया हुआ है तो ये असर्टिव सेंटेंस है, तो देखो ये ही सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, ही टोल्ड देम, कनेक्टिव दैट लगाएंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो यहाँ होगा विल को वुड में, वुड बाई ए कार, तो देखो ये टुमोरो दिया हुआ है तो टुमोरो को हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे, इस तरीके से देखो टुमोरो नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे या फॉलोइंग डे में चेंज करेंगे। यदि डायरेक्ट में निम्नलिखित शब्द दिए हुए हैं तो इनडायरेक्ट में हम निम्नलिखित में परिवर्तन कर देंगे।